So hey and welcome back to my YouTube channel and I'm Rahul and you're watching my channel and let's get straight into the video. नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप इस तरीके की और वीडियोस देखो तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Do it! नहीं स्टार्ट करते फिर आज की वीडियो। सो एज यूजुअली आई एम स्क्रॉलिंग यूट्यूब, तो नॉर्मली मेरे पास कोई काम होता है नहीं, तो मैं क्या कर रहा था, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्यों ना कुछ पैसे कमाए जाए। ऑब्वियसली अब यूट्यूब से तो हमें पैसे आएंगे नहीं, तो मैंने कहा यूट्यूब में ही देख के कुछ टोटके किए जाए ताकि हम पैसा कमा सके थोड़ा। पैसा ही पैसा होगा। सो क्या आप लोग भी कमाना चाहते हो बहुत सारे पैसे? क्या आप भी चाहते हो आपके पास धन की इतनी वर्षा हो, इतनी वर्षा हो कि आप तब के मर जाओ नीचे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करने का तुम लोगों को, बस ये वीडियो जो है लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। और ऑटोमेटिकली जब आप सब्सक्राइब करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो कैसे? वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद पता लगेगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आज हम लोग कुछ ऐसे टोटके देखेंगे जिसे देखने के बाद आपको पैसे मिले चाहे ना मिले, दिल जरूर खुश होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि जब से जियो आया था ना इंडिया में, जब से जियो आया था तब से भैया ये टोटके वालों ने तो भैया नाक में कतई कंद वाला धूम मचा के रखा हुआ, समझ रहे हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करो और आपको मिलेगी, और स्पेशली उसमें ज्यादातर वीडियोस आपको टोटकों की मिलेंगी। सबसे ज्यादा चलती हैं यूट्यूब पे वीडियोस वो है कि हाउ यू बिकम रिच, मतलब आप कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो घर बैठे बैठे, मतलब कुछ नहीं करना आपको, जस्ट पड़े रहो घर पे और पैसे मतलब आएंगे, क्योंकि बाप तो हमारा अंबानी है ना, ये पैसे पेड़ पे उगते हैं ना, बस हवा चलेगी और बस पैसे बस आ रहे होंगे। बस लोग टोटके ऐसे देखते हैं भाई जैसे पैसे अब चल के आएंगे तुम्हारे पास, बस आप आराम से बेड पे पड़े रहो, बस पैसे आ रहे होंगे बस। तो इस तरीके की बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे हैं और हमने भी एक वीडियो देख ली, क्योंकि भैया किसे पैसे नहीं कमाने, मतलब हमें भी कमाने पैसे, हमें भी मतलब अमीर होना, बहुत पैसा चाहिए। तो देयर आई गॉट दिस वीडियो एंड टोटके वालों ने भैया कतई गंद में धूम मचा के रखा हुआ। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमारे पर्स में धन रुकता ही नहीं है। तो भैया ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं तुमसे कि धन नहीं रुकता, मतलब इनके पैसों को अलग से पैर लगे हुए हैं। हमारे पास पैसे हैं भैया, उनके पास पैर नहीं है, लेकिन इनके जो पैसे हैं इनके पास स्पेशल भगवान ने पैर दिए होते हैं, क्योंकि वो भाग जाते हैं। पर कौन रुकना चाहेगा इनके पर्स में है भाई? कतई गंदी वाली किसी ने धुलाई करके रखी हो, ऐसी उसकी हालत हो रखी होती है, हर जगह से फटा हुआ होता है, मतलब ऐसा पर्स रखोगे तो कहाँ पैसे रुकेंगे भाई, वो तो चले जाएंगे भाई, क्यों, अब उनकी भी इज्जत है भाई। बहुत बार मैंने ऐसी पूजा भी कर चुका हूँ जिससे लोग दावा करते हैं कि धन लाभ होगा लेकिन नहीं होता। दिमाग देख रहे हो बंदों का, मतलब पैसे नहीं रुक रहे इसके लिए वो पूजा करवा रहे हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च रहे हैं, और फिर बोलते भाई हमारे पास पैसा रुक नहीं रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अबे उल्लू के पठो, जब तुम इतना पैसा लगा रहे हो तो कहाँ से पैसा बचेगा? और ये खुजली ना तुम्हारे हाथों में लगी रहती है तभी तुम्हारे पास पैसे नहीं टिकते, और तुम्हारे पास कोई स्पेशल नोट नहीं है जिनके पैर लगे हो और वो भाग जाते हैं, या फिर तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है नोटों को? भैया इसकी शक्ल पसंद नहीं साला हमें, इससे अच्छा तो वो शर्मा जी को देखो यार, मतलब अच्छी शक्ल है उनकी, उनके पास तो जाना चाहिए हमें, ये सड़े सा शक्ल वाला क्या, ये डिजर्व नहीं करता हमको। बताता हूँ एक अत्यंत और प्रचंड ऐसा उपाय जो एक बार में ही काम करेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपको बेल पत्र लेने हैं, और ये वाह, अब ये पैसों को पत्तों के साथ कंपेयर कर रहा है। कुछ भी मतलब, अच्छा हमारे पैसे टिक नहीं रहे तो हम पत्ते डालेंगे तो मतलब टिकेंगे। ये बेल पत्र जो है ये जुड़े हुए होने चाहिए तीन के आकार में, देखिए तीन के सेट में चाहिए, तीन एक साथ पत्ते होने चाहिए, वरना तुम्हारा टोटका काम नहीं करेगा। मतलब कहाँ से ले आए मुझे एक बात, और ये बेल पत्ता साला, चलो हम तो फिर भी हिमाचल में रहते हैं ठीक है, आप ठीक है, मुझे तो साला यहाँ पे भी नहीं पता कहाँ पे मिलेगा ये, पूरे अगर मेरे आसपास दिखाऊं तो सारे जंगल भी होंगे यहाँ पे, इतने इतने बड़े बड़े घने घने जंगल होंगे,
मैं मुझे खुद पता नहीं होगा, मुझे खुद नहीं मिलेंगे ये बेल के पत्ते, और तुम मतलब बंदों को चाहते हो जो शहर में रहते हैं, मतलब ऐसी हरियाली तक नहीं देखी, अब वो कहाँ से लेके आएंगे ये चीज, और वो भी 3 के सेट में। इसके बाद आपको इसको चमेली के तेल में, पत्तों को चमेली के तेल में Wait a minute. Who are you? मतलब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा टोटका हो रहा है? अगर ऐसा करेंगे हम लोग, चमेली के तेल में लेटा के उनको भिगा के रखेंगे अगर हम लोग, तो हमारा पर्स खराब नहीं होगा, हमारे नोट खराब नहीं होंगे उससे। और वो चमेली का तेल ना तुम अपने शरीर पे लगाओ तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, सर पे डालना थोड़ा सा वो चमेली का तेल और अच्छे से थोड़ा मसाज करना ताकि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। पता तो है इसको, मतलब यूट्यूब पे बहुत ऑडियंस है चूतिया बनने वाली, कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी मतलब जो दिखाएंगे कर तो लेंगे, कुछ ना कुछ तो चूतिए निकलेंगे ऐसे जो ये हरकतें करेंगे। और अपने पर्स में रखिए, याद रखिए पर्स ब्लैक कलर यानी कि काले रंग का ना हो। हाँ भैया, पर्स काले रंग का होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर काले रंग का हुआ तो फिर ब्लैक मनी आएगी, मतलब व्हाइट तो वो रहेगी नहीं, फिर जब पैसे आएंगे तो वो तुम्हारा पहले वॉलेट देखेंगे। इस बंदे के पास काले रंग का पर्स है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इसके पास, मुझे तो इसके पर्स को देख के इसकी नीयत भी काली लग रही है, मुझे लगता नहीं कि ये मेरे लायक है। ये बोलेंगे ना, पैसे जब चल के तुम्हारे पास आएंगे तो वो तुम्हारा पहले वॉलेट देखेंगे, ओ माई गॉड दिस गाय हैज अ ब्लैक वॉलेट। मुझे इसके विचार बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और पर्स वाले के पास जाता हूँ, क्योंकि इसके पास तो काला पर्स है, इसकी तो नीयत काली होगी है, ठीक है, तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी और के पास जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं दिन में करने के लिए आपको ज्यादा इसकी राय दूंगा, क्योंकि अच्छे सत्कर्म जो होते हैं वो दिन में किए जाते हैं जब सूरज निकला हो। अगर भाई तूने बता दिया कि ये काम कब करना है, मतलब हम वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, अगर मैं ये काम रात को कर लेता तो मतलब दिक्कत हो सकती थी, बहुत खतरनाक वाली दिक्कत हो सकती थी, क्या पता शायद पैसे ना आए, ये शायद हो सकता है मेरे पास ब्लैक मनी आ जाए, है तो दिक्कत बहुत हो सकती थी, इसलिए सुबह करना है। तो इस हिसाब से जब तुम बता रहे हो कि सारे जो अच्छे काम है वो दिन में किए जाते हैं, तो फिर जो चूतिए जो होते हैं जो रात को पढ़ाई करते हैं, जो इतने परसेंटेज लेके आ रहे हैं पूरी पूरी रातें पढ़ के, ठीक है, जिनसे दिन में नहीं पढ़ा जाता, वो तो कतई घंटे चूती आदमी है ना, मतलब सबसे बड़े चूतिए तो वही हो तुम लोग, मतलब तुम गलत काम कर रहे हो क्योंकि तुम रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, गलत काम कर रहे हो, और रात को भैया बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना से। तो कुछ भी नहीं करने के पहले जो तूने इतना कुछ बताया है, ठीक है, वही ढूंढते ढूंढते साली गांड घिस जाएगी हमारी, और बोल रहा कुछ भी नहीं करना, इस बेल के पत्ते तो हमारे घर के नीचे लगे हुए हैं, है ना, और जो चमेली का तेल है वो तो हमारे फूफा बनाते हैं, है ना, हमारे जो तेल की फैक्ट्रियां चल रही हैं वो नीचे निकाल तो रहे होंगे तेल चमेली से, है ना, और बेल वो तो नीचे लगी होगी, और हमारे पास किसी भी कलर का, ब्लैक कलर को छोड़ के सभी कलर के पर्स तो हमने अभी यहाँ पे वार्डरोब लगाया हुआ है ना, सारे यहाँ पे सजा के रखे हो, हर कलर के वॉलेट है ना, जो मर्जी उठाओ है लपेट के उसको रात में रख के दिन में निकाल के। और भाई टाइम का देखो, इनके हिसाब से सिर्फ इसको जब आज हमने डाला है कल उसी टाइम पे निकालना होगा। आपको इसको चमेली के तेल में पूरा एक दिन यानी कि जिस दिन भिगोएंगे अगले दिन उसी टाइम पर इसको निकालना है। तो हम सब तो बहुत वेल्ले हैं क्योंकि हमारे पास तो रोज इतना टाइम है कि हम बस बस घड़ी देखते रहे, भाई आज हमने इसको 4 बजे डाला हुआ है, कल 4 बजे निकालेंगे, साले घंटा किसी को याद नहीं रहता, तुम्हें साला रात को खा के सुबह की याद नहीं रहती किस रात को क्या खाया था हम लोगों ने, और उन बंदों से तुम ये कह रहे हो कि भाई तुम इस टाइम पे डालना अगले इस टाइम पे निकालना, अगर नहीं निकाला तो तुम्हारी गलती है भाई, किसी के लिए अगर काम नहीं करेगी चीज तो भाई तुम्हारी गलती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब तुमने ये ठीक नहीं किया, कभी कुछ ना कुछ तो तुम में कमी रही होगी, तुमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा। और ये भाई अकेली एक वीडियो नहीं है जिसमें इसने ये चीजें बताई हुई हैं और ये टोटके चल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं और उसमें से एक इस बंदे की वीडियो नो 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 खुद देखो, इस बंदे की शक्ल देख के इमेजिन करो कि साला ये क्या टोटके बताएगा, इसी तो शक्ल देख के साला हम लोग ऐसे भाग जाएंगे भाई, अगर इसका कहीं टोटका इस्तेमाल कर लिए तो कहीं हमारी शक्ल भी इसकी तरह ना हो जाए, मतलब भाई तुम छोड़ दो ये काम, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। इन इन लोगों ने जो है अपने जो कमेंट सेक्शंस है वो भी टर्न ऑफ करके रखे हैं, बहुत तेज हो रहे हो है, बहुत रुको जरा सबर करो। नमस्कार दोस्तों, तो ये है हमारा सांडे का तेल, जैसे कि आप इसकी शीशी देख सकते हैं, ये तेल काफ़ी बार इस्तेमाल हो चुका है क्योंकि इस तेल की आवश्यकता बहुत बार पड़ती है हमें,
इस तेल का आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये तेल आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेके आएगा। धन की तो आपको कभी कमी नहीं होगी। तो आपको इस तेल को सुबह और शाम दो बार अपनी गांड पे लगाना है और अपनी गांड को धूप के सामने रख देना है। आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। आप ज़रूर इस टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सांडे के तेल को, जो कि सांड से निकाला जाता है, इसे अपनी गांड पे सुबह और शाम अवश्य लगाएं। रात को एक बार ज़रूर अपनी गांड पे लगाएं और आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। धन्यवाद। चल हट्टी बहन की।